अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव में प्रशिक्षण ले रही युवती वंदना कावड़े का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चयन हो जाने पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिया। वंदना कावड़े ने बताया कि पूर्व सैनिकों के द्वारा उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया उससे उन्हें काफी मदद मिली और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चयन होने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार यादव, सचिव उमेश साहू, सह सचिव रवि ठाकुर और वंदना कावड़े की माता और बहन उपस्थित रहे। पूरी विस्तार से बताइए। मेरा नाम वंदना कावड़े है और मेरा बीएसएफ एसएससी जीडी 2011 में बीएसएफ के बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हुआ आपकी ट्रेनिंग? मेरी ट्रेनिंग अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद के द्वारा हुआ जिसको लगाने और जितने भी मेरे गुरु हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इनके माध्यम से और ट्रेनिंग जैसे हमें ट्रेनिंग दिया जाता था और परीक्षा में जिस तरह से मोटिवेट करते हैं वो उसी का परिणाम है। तो मैं पूरे दिल से अपने जितने भी गुरुजन हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। आगे कैसे रहेगा आपका सफर? मेरा आगे सफर चुनौतीपूर्ण रहेगा परंतु मैं कह सकती हूँ कि मुझे ट्रेनिंग में जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है उसके अनुसार मुझे ट्रेनिंग में बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग पाया है अखिल भारतीय सेवा परिषद से तो ये मेरे लिए बहुत मददगार रहेगा आगे। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव। सबसे पहले वंदना कावड़े को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वंदना कावड़े ने हमारे ट्रेनिंग से बहुत अच्छा परिश्रम करके आज ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हुई है और इसका इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है जिसकी बदौलत इनका आज एसएससी निकाल के इनका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है और ये कल रायपुर में ज्वाइन कर रही है और इनके आने वाले भविष्य के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडा गांव की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोंडा गांव से राज शार्दुल, सीजी विजन टीवी।